तीव्र गुस्से के झटके आना, इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है। हमारे यूट्यूब चैटिंग में या यूट्यूब कॉमेंट्स में, फेसबुक में लोग कुछ कॉमेंट्स करते हैं, पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए उन्होंने कहा था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने जो कंप्लेंट लिखी है, तो ये करीब करीब 25 साल की लड़की है और इसको बहुत ही घबराहट होती है, रोज धड़धड़ होती है, घबराहट होती है, चेस्ट में पेन होता है, दर्द होता है सीने में और सरदर्द होते रहता है। उसको मरने का भी डर लगे रहता है कि मैं मर जाऊँगी क्या, मर जाऊँगी क्या। सिर भारी 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 होते रहता है, पूरे बॉडी में दर्द, फिर नींद कम आना, फिर मन नहीं लगता कोई काम में। पढ़ रही है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन एक किया है, सेकंड अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। नींद कम आती है, फिर दूसरे दिन कोई काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर तनाव आता है और तनाव में फिर ज़्यादा पैनिक ही हो जाना, फिर इधर से उधर घबराहट, बेचैनी, इधर से उधर घर में घूमना, उधर से इधर घर में घूमना, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा आ जाता है उसको, इतना गुस्सा आता है। फिर कोई भी चीज़ फेंक देंगी किसी के आंख के ऊपर, एक बार तो टीवी फोड़ दिया क्योंकि टीवी के ऊपर कुछ तो भी फेंक के, इतना गुस्सा उसको आ जाता है। बाद में शांत हो जाती हो, बाद में बोलते नहीं नहीं मैंने गलती किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको कोई किसी प्रकार का व्यसन नहीं है, ना कोई सिगरेट है, ना शराब है। लड़की है, तभी भी लड़कियों में भी काफ़ी व्यसन है, इसको कोई व्यसन नहीं है, मगर इसको आर्थराइटिस है, मतलब जोड़ों में दर्द है। और जोड़ों में दर्द है तो उसके लिए फिर वो इंजेक्शन लेती रहती है और उसने स्टीरॉयड के इंजेक्शन लिए। क्या होता है कि जोड़ों में दर्द है तो उन्होंने स्टीरॉयड के इंजेक्शन कोई लोग लेते हैं, और स्टीरॉयड के इंजेक्शन लेने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजेक्शन, 25 इंजेक्शन स्टीरॉयड के ले लिए। अभी हुआ क्या है कि वो इंजेक्शन से मालूम है कि स्टीरॉयड जब लेते कॉर्टिकोस्टीरॉयड, उससे साइकोटिक बिहेवियर आता है। तो फिर वो स्टीरॉयड किसको बताया नहीं, डॉक्टर के पास में गई और उनके फैमिली डॉक्टर ने नहीं बोला था लेने का नहीं, मरे चुपचाप और दूसरे डॉक्टर के पास में गई, स्टीरॉयड के इंजेक्शन ले लिए। और फिर बाद में फिर उसको ऐसे सिम्टम दिखने लगे, कम से कम ये 5-6 महीने से सिम्टम है, और एग्ज़ाम उसको देने का है, वो कंप्यूटर एग्ज़ाम दे रहे, उसका उसको प्रेशर लगता है बहुत, वर्कलोड है, फिर याद नहीं रहता है, फिर फेंक फाक करना, ऐसा मतलब एक प्रॉब्लम आर्थराइटिस का ठीक करने के लिए स्टीरॉयड से, तो फिर ये दूसरा प्रॉब्लम चालू हो गया। तो ये ऐसा इनको प्रॉब्लम है और बाकी फैमिली हिस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है, मगर अभी ये स्टीरॉयड का इफेक्ट, मतलब हो सकता है कि स्टीरॉयड उसने जो लिया वो ट्रिगरिंग फैक्टर हो गया, एक ट्रिगर हो गया कि जिसकी वजह से ये इनके सिम्टम्स चालू हो गए। तो मतलब भाई आपको तो ऐसा है कि अभी कुछ दिन तक मेडिसिन अपन लेंगे जो स्टीरॉयड का भी ट्रिगर एक हो गया, और वहाँ से आपको ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करना और तीव्र झटका आता है गुस्से का, तो उसको हम थोड़ी दवाई देंगे और गोलियों के साथ साथ आपको हिप्नोथेरेपी करना है, रिलैक्सेशन थेरेपी करेंगे और उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो वो हमने चालू कर दिया और उससे उसको काफ़ी फ़ायदा धीरे 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 लगने लगा। उन्होंने बोला कि ठीक है अभी बहुत फ़ायदा है, और वो स्टीरॉयड का इफेक्ट जैसा धीरे कम होते 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 हो गया, पता नहीं अभी वो लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड थे तो कितने दिन तक चलता है, वो ट्रिगर हो गया साइकोसिस और उसमें फिर उसको प्रॉब्लम हो गया था। अभी मतलब स्टीरॉयड को अभी हाथ मत लगाओ, कितना भी आर्थराइटिस है तो भी हाथ नहीं लगाना भी स्टीरॉयड को, देखो आपको ये साइकोटिक फीचर आ गए। तो उनको वो ठीक लगा और बाद में अभी ठीक हो गई वो, क्योंकि स्टीरॉयड लोग लेते हैं, प्लेयर्स भी लेते हैं स्टीरॉयड्स, जिमनास्टिक्स करने वाले लोग भी स्टीरॉयड लेते हैं, पहलवान लोग लेते हैं जो जिम में जाते हैं वो लेते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड से बहुत एक इलेशन आता है मूड में, अच्छा लगता है, फील गुड आता है, और वो फील गुड से अच्छा लगता है तो फिर उसकी आदत लग जाती है और उससे फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम भी आते हैं, इसलिए स्टीरॉयड मना है प्लेयर्स लोगों को लेने के लिए। हमारा ऐप है डॉक्टर केळकर करके, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से और वहाँ से आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, आपको कोई सवाल होंगे तो नंबर दिए हुए वहाँ आप कॉल कर सकते हैं, मेरे से आप बातचीत कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।